चेकबुक का प्राइस 65 कितना आपको और पे करना है। सारे सेक्शन फुल है राइट। गाड़ियाँ कम पड़ जाएगी लेकिन पार्किंग लॉट कम नहीं पड़ेगी। ये पसंद आई है। लकड़ी की काठी डागी डागी बच्चों की शॉपिंग कार्ट। वो बोलेगा योगेश तो लथार्जिक हो गया है। लथार्जिक की बात नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। Hey guys, welcome back to another vlog. So, अभी हम लोग कार में निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। हमेशा हम लोग कार से ही स्टार्ट करते हैं। So guys, अगर आप नए हो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो आपको भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। एवरी डे 7:30 PM IST टाइम पे व्लॉग्स आएंगे बाहर। सो गाइज एवरी डे व्लॉग आएंगे हमारे, ज़रूर सब्सक्राइब करना सो दैट आप कोई भी व्लॉग मिस ना करो। और आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोग जाने वाले हैं बहुत जगह। एक्चुअली आज बहुत सारे काम है, सब कुछ कंप्लीट करना है। अब बज गए हैं 5 शाम के और मेरा काम ख़त्म हो चुका है 4:30 को। हम लोग सब तैयार होकर बैठ चुके हैं कार में और हम अभी निकल रहे हैं वो सारे काम निपटाने के लिए जो हमें आज करने हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट बैंक में, आज बैंक का काम है। एक्चुअली पिछले 3 दिन से मैं बैंक के काम करने की ट्राई कर रहा हूँ बट मुझे पता ही नहीं चला कि बैंक के जो आवर्स है वो उन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं ओपनिंग आवर्स। सो अभी ओपन आवर्स है फ्रॉम 8 to 4। प्री पेंडामिक था ये 8 to 8, तो मुझे लगा 8 to 8 है तो मैं ट्यूजडे गया तो क्लोज था, आवर्स वहाँ पे लिखे हुए थे। फिर मैं वेनेसडे को भी गया तो भी क्लोज था। और वेनेसडे को क्लोज होने का रीज़न ये है कि उनके हर दिन का आवर्स डिफरेंट है। आज के आवर्स है 7 बजे तक थर्सडे के। सो वही, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं बैंक का पहले काम कंप्लीट करेंगे और वहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे गैस भराने के लिए क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लिंक कर रहा है तो मुझे अभी पहले पेट्रोल भराना पड़ेगा। अदरवाइज़ ममता और आईबी को धक्का देना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वही, उसके पहले ये हो, मुझे पहले पेट्रोल भरवाना है। पेट्रोल भराने के बाद हम लोग, और पेट्रोल हमेशा मैं कॉस्को से भरवाता हूँ क्योंकि कॉस्को में कंपैरेटिवली सस्ता होता है बाकी जगहों से। और यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है कि प्राइस है पेट्रोल के, यहाँ पर हर पेट्रोल पंप पे अलग अलग प्राइस होते हैं। सो वो करने के बाद फिर हम जाएंगे क्रॉस आइलैंड, और क्रॉस आइलैंड के अंदर क्या करने वाले हैं वो आपको हम लोग बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वो आईवी के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है। आज आपने देखा रहेगा हम लोग विंटर अटायर में है, विंटर तो नहीं बट फॉल अटायर में है, हुडीज़ क्योंकि मौसम ही वैसा है। बारिश के साथ साथ टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। टेम्परेचर है अराउंड कितना होगा, 12 डिग्री है। मॉल तो बंद होगा तो चलेगा, अगर बैंक बंद हो गए ना तो मेरा आज का काम नहीं होगा। पता नहीं क्या हो गया, जब से मैं प्रोटीन लाना चालू किया ना ज्यादा गंदा गंदा छोड़ रहा हूँ मैं। फार्टिंग लाइक क्रेजी। और हम लोगों की हालत खराब हो रही है यहाँ पे बैठ के। क्या कर रहा है, ऊपर से तुम लोग विंडोज भी नहीं खोल सकते। तो क्या, तो वही जो भी है, आनंद लो। आनंद इस चीज का आनंद नहीं लेना चाहते हम लोग। और बिचारी आई भी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बैंक का काम मैं खुद भी अकेला कर सकता था बट इनको इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक इश्यू हो गई है बैंक में जिसमें ममता के सिग्नेचर चाहिए। इतने दिनों बाद ये विंटर कपड़े पहनते हैं ना, मतलब ऐसे नॉर्मल विंटर जैसे, तो थोड़ा सा अजीब फीलिंग आती है। हर बार अभी वो टी शर्ट पहनने की आदत पड़ गई थी ना पिछले 3-4 कम्फर्टेबल होते हैं ना बस उसके अंदर। बॉडी पे वेट आ गया अभी। एग्जैक्टली या सो गाइस, बैंक का काम हो गया है। लकीली आज रश नहीं थी तो फटफट काम हो गया है। और इसके बारे में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी फिलहाल इट्स स्टिल प्रीमेच्योर, सो जैसे ही सब कुछ परफेक्टली हो जाता है गॉड ग्रेस तो मैं आपको बताऊँगा। एक बड़ी चीज़ कर रहा हूँ मैं मेरे लाइफ की, एंड आई होप वो सही तरीके से हो जाए एग्जीक्यूट। सो उसी का ही वेट कर रहा, तो उसी के लिए सब बैंक के चक्कर कट रहे यहाँ वहाँ, तो वही आपको बताऊँगा बाद में मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। बट फॉर नाउ बैंक का काम हो चुका है, आईवी को स्ट्रैप में डाल रहे हैं। एक्चुअली आईवी और इनका काम ही नहीं था, लास्ट टाइम जब मैं गया था तब मुझे बताया गया था कि ममता को भी लेके आना है फॉर सिग्नेचर। आज इसके बिना ही हो गया काम। फर्स्ट टाइम चेकबुक ऑर्डर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और इतना आप प्राइस सुन के हिल जाओगे। इंडिया में तो कितने मिलते हैं इंडिया में, आई थिंक वी डोंट हैव टू पे फॉर दैट। हाँ है ना, मैंने भी कभी आज तक पे नहीं किया है। चेकबुक का प्राइस गाइस $67 ऑलमोस्ट। कनाडा में ये है कुछ भी चीजें करनी हो ना आपको पैसे तो पे करने के, यहाँ पर गाइस सिर्फ पैसे ही पे करने, हर चीज के पैसे। आप छीक मारो टैक्स दो, हवे में आपने ना आपके बैक्टीरिया फैला दिए, हवे में आपके आपने बैक्टीरिया फैला दिए, उसका टैक्स लगेगा बाबा वो अलग है। यहाँ पर जितना हाईएस्ट बंदा अर्न करता है
उतना ही वो डेप्थ में रहता है, क्योंकि उसको टैक्सेस कितने पे करने पड़ते हैं बेचारे को, इसलिए लो इनकम वाले सुखी है, उनको पैसे मिलते हैं वापस। तो गाइस अभी लाइन में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा लाइन है आज, पता नहीं इतनी लाइन क्यों है पेट्रोल के लिए। गाइस लाइन दिख रही है, ये है हमारी कॉस्को की लाइन, ये सिर्फ पेट्रोल की लाइन है, पेट्रोल भराना पेट्रोल। सारे सेक्शन फुल है राइट, सारे पंप फुल है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। हो गया पेट्रोल भरा। यस फाइनली फाइनली, कितना हुआ? $50, वाओ। अबे जो गैस किया था वही नंबर निकला क्या? अरे गाइस पेट्रोल इतना महंगा हो गया ना, ये डे बाय डे महंगा हो रहा है इंडिया से भी। आ गए हैं हम लोग क्रॉस आयरन, और अभी आपको बता ही देते हम लोग एग्जैक्टली आए क्यों हुए। हम लोगों का आने का रीजन ये है, आज आईवीस के लिए हम लोग ले रहे हैं टॉयस, वही आईवी के लिए आज स्पेशल डे इसीलिए था, बिकॉज हम लोग इसके साइकिल खरीद रहे। तो देख रहे एग्जैक्टली कौन सी साइकिल इसके लिए बेस्ट है, इसको टेस्ट ड्राइव दिलवाएंगे यहाँ पर और उसके हिसाब से परचेस करेंगे। सो वही ये प्लान है। उसके साथ साथ यहाँ पर टॉयज आर एस करके शोरूम है जहाँ से हम लोग ये बाइसाइकिल लेने वाले हैं, उसका नाम टॉयज आर एस इसलिए बिकॉज वहाँ पे सिर्फ टॉयज ही मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस क्रॉस आयरन के अंदर ही वो शॉप है जो काइंड ऑफ मॉल ही है, बड़ा ही है, मॉल के अंदर स्मॉल मॉल है ऐसा है। आज हम लोग आपको वो भी बताएंगे, उसका पूरा टूर करवाएंगे और बताएंगे एग्जैक्टली कि कितना बड़ा यहाँ पे टॉयज का सिर्फ एक सेक्शन है जहाँ पर बच्चे जभी भी जाते हैं माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं, इसलिए बोल रही थी कि यहाँ पर आई वी डाउन द रोड हमको हम लोगों को बहुत परेशान करने वाली, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर कितने बच्चे नीचे, कोई लेट के रो रहा है, कोई किसी के मॉम डैड उसको घसीट घसीट के लेके आ रहे हैं, यहाँ पर भी वही सीन है बच्चों के लिए। तो एक तरह से वहाँ पर लेके जाना इट्स लाइक वुमेंस लोगों को शॉपिंग के लिए लेके जाना है, एक बार घुस गए अंदर तो बिल आता है सीधा बाहर फटके, बड़ा देखते नहीं है लोग के क्या है, चलो कोई नहीं। सो एनी वेज गाइज चलते हैं अभी अंदर हम लोग, और एज आई सेड बिफोर एज वेल यहाँ पर अब तक कैमरा अलाउड नहीं है मॉल्स के अंदर, तो ये कैमरे से हम लोग को स्विच होके फ़ोन पे स्विच होना पड़ेगा और थोड़ा सा ऑडियो में आपको डिफरेंस मिलेगा। क्या मैं ऐसे खुद को शूट करने बैठूंगा तो आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि फ़ोन का माइक आपको पता ही है कैसा है। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरा कैमरा दूसरी तरफ है, मेरी तरफ नहीं है, समझ जाना मैं फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये मेन हाईवे है जो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, और पार्किंग लॉट देखो क्रॉस आयरन मॉल की, इतनी बड़ी पार्किंग लॉट है कि आप गाड़ियाँ कम पड़ जाएगी लेकिन पार्किंग लॉट कम नहीं पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है वीडियो, अगर आपने क्रॉस आयरन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देखना उसे। और वही ये सबसे बड़ा आउटलेट मॉल है यहाँ पे। हाँ जैसे ही स्टोर करने जाएगी ना आपको आईवी का 180 डिग्री दिखेगा, फुल ऑन एक्साइटेड जोशीले जवान बन जाएगी ये। तो गाइस गेट नंबर 3 और यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे अंदर। ये है टॉयज आर अस। ये जो सेक्शन है ये पूरा बेबीज बच्चों का और न्यू बॉर्न आगे जाके आपको टॉयज सेक्शन मिलेगा, टॉयज आर अस का। अगर आपको कुछ भी चीज़ लेनी है बेबी के रिलेटेड या फिर किड्स के रिलेटेड सब अच्छा लगाइए, इसलिए हम लोग मोस्टली यहाँ पे आते हैं। तो अभी वही एक बार इसका खाने का पूरा हो, तो वही इसका अगर खाने का पूरा हो तो हम लोग फिर आगे जाते हैं, क्योंकि इसको स्टोलर से बाहर निकालना है। दैट शी कैन ट्राई ऑल द बाइसिकल्स राइट, सब बच्चों लोगों का स्टोलर मिलता है, सारे किड्स सेक्शन है पूरा। और जो आगे हम जा रहे हैं जिधर वेलकम टू टॉयज आर अस, यहाँ पे सब टॉयज मिले। अभी आप ही बताओ बच्चे यहाँ पर आएंगे तो जिद नहीं करेंगे ये सब देख देख के? देखो सारे लेगो वाली आइटम यहाँ पर है, फिर आगे मेगा ब्लॉक्स है, फिर हर जगह पर अलग अलग सिस्टम है राइट, ये भी एक अच्छा चीज़ है यहाँ पर। अभी आईज अभी यहाँ पे आई भी अपने हिसाब से अपने टॉयज सिलेक्ट करेगी राइट बेटा। क्या आपको अभी पसंद आ गया? तो पसंद आया ये? देखो ये ऐसा होता है बच्चों लोगों का हाल, यहाँ पे छोड़ते नहीं कुछ भी चीज़ें, सब चाहिए इसको। अभी आयो
Come here. उसको ये पसंद आई है ऐसा के चलिए इसके लिए साइकिल ही लेते हैं। ये कुछ काम की नहीं है वैसे भी, ठीक है सब, ये बड़ी हो गई तो ये कुछ काम की नहीं है इसके लिए, साइकिल ही ठीक है। चलो इसको लेके चलते हैं साइकिल के सेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा ही बड़ी नहीं है। नेक्स्ट ईयर, बस पहले नेक्स्ट ईयर का देखने का, इस साल का देखना ही नहीं क्या? ये है ना ये वाली कैसी है, छोटी है वाली, ये भी अच्छी है, इसको ये लेना, ये सिखा इसको, ये कैसे देख। आयो लेट्स गो लेट्स डू राउंड मारो बेटा, ये आयो इसको छोड़ दे दो, छोड़ एक बार आयो इसको पाँव देने आता नहीं लगता बराबर से, बांधा कहाँ पे होगा, क्या लेकर आई तू? अच्छा इसको ये वाली चाहिए, ये तो फिर कौन सी पसंद करनी फाइनली? ये कुछ काम की नहीं, ये सिर्फ खाली बस है क्या है राइट, वो ले ले, मुझे कलर एक भी अच्छा नहीं लगे खास। देखा चालू हो गया इसका, चालू हो गया तेरो आई भी पागल हो गई है, आयु बड़ा पसंद आ गया उसको। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन। गाइस आईवी की जो हम लोग साइकिल ऑनलाइन देखी थी, जो लेने आए थे यहाँ पर, ये इस टॉयज आर एस में नहीं है, तो ऑनलाइन चेक किया हम लोगों ने तो वो दूसरे टॉयज आर एस में है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, बट अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, 8 o'clock होने आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल गए और इसके लिए यहाँ से कुछ छोटे मोटे टॉयज ले लेंगे अभी और फिर निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और डिनर करना बाकी है हमारा। देखा गाइस बच्चों की शॉपिंग कार्ट क्या क्या बनता है यहाँ पे, देखो आयो ले शॉपिंग कार्ड आपकी, डॉगी मिल गया, डॉगी ओके ये लो डॉगी लो, अब इसको डॉगी चाहिए, इसका डॉगी मिल गया ना अभी। ओके गाइस शॉपिंग हो गई है टॉयज आर एस की, क्रॉस आना है और अंडर आर्मर में ना गए ऐसा कभी हुआ है आज तक, चलो अंडर आर्मर में चलते हैं आपको शॉपिंग करते हैं। तो आज आई के लिए क्या लाया आयु? आई के लिए गेम्स लाया, आई के लिए टॉयज लाए, लेकिन आयु की साइकिल नहीं आई क्योंकि आयु की साइकिल नहीं मिली वहाँ पर। शॉपिंग आधी हुई है आधी नहीं हुई है, एक्चुअली गाइस जिस काम के लिए हम लोग गए थे आईवी की साइकिल लाने के लिए, वो जो साइकिल हमने ऑनलाइन देखी थी वो यहाँ पर है ही नहीं, इस टॉयज आर एस में नहीं है, और वो सुबह तो अवेलेबल दिखा रही थी बट अभी नहीं है, पता नहीं स्टॉक पे लोग कैसे दिखाते हैं क्या करते हैं। तो इनको जब पूछा हम लोग ने तो इन्होंने बोला कि जो दूसरा टॉयज आर एस है वहाँ पर मिल जाएगी, बट अभी ऑलरेडी 8 बज गए तो वहाँ पर जाके मतलब नहीं है, हम लोग कल या फिर वीकेंड में ही जाएंगे, तो वही बट एटलीस्ट आईवी के लिए हम लोग ने कुछ टॉयज लिए हुए हैं, अभी अंदर गए तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा राइट। सो वो हो गया काम, और फिर वही अभी क्रॉस लाइन आया है तो अंडर आर्मर के शोरूम में तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कपड़े मेरे वहाँ से लेता हूँ, लकीली आज मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, अदरवाइज़ जितनी बार भी आया हूँ मैं कुछ ना कुछ हम दोनों की शॉपिंग हो ही जाती है, मेरी या इसकी होना ही होना है राइट। अरे हाँ गाइस शूज़ का एक दिन मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा शूज़ पर, मैं शूज़ का कलेक्शन दिखाऊँगा आपको, मुझे शूज़ कलेक्ट करने का बहुत शौक है, मैं हर एक को यही बोलता अगर आपको गिफ्ट देना है मुझे किसी को भी मेरी फैमिली में या फ्रेंड्स गिफ्ट देना है तो शूज़ देना बाकी कुछ मत देना। एनीवेज गाइस अभी यहाँ से तो हम निकल रहे हैं और 8 बज गए हैं तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि घर पे जाके डिनर बनाना है और खाना है, मेरा तो बन चुका है ममता का उपवास है, सॉरी किसी को कुछ नहीं बनाना है लेकिन घर पे जाके खाना तो है राइट, क्योंकि मैं 8 बजे से पहले पहले खा लेता हूँ, अभी तक खाना हुआ नहीं है, तो अभी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको कल। सो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, सो गाइस मिलते हैं आपको टुमारो एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर बाय।